बाकी सब दे दिया मैम इसको, इधर दे दो। हाँ जी इसको, इसको दो सर। चलो छोटे बच्चों को चलो सर, दे दो आप सबको। सुंदर सुंदर आधी करो मैम, छोटी करो इसको ना, तब दोनों छोटे छोटे हो गया। मैं ऐसा करता हूँ, उनका भी निरीक्षण किया जा रहा है। 2 लाख में दे रहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप अच्छा सर इसको प्रॉपर ढंग से बनाओ, इसकी एक्चुअली वॉल जो है रिपेयर करो, ठीक है ना। इनको तो मूव करना, इसका देखो ये मिटाना सर, पीड़ भी है ना, तो ये पूरी दिला रहे हैं इनके इसके लिए। ठीक है सर। देखिए सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने जन्मदिन की मुझे बधाई दी और मैंने ये आज के दिन अवसर समझा कि हम अपने गौवंश के लिए कुछ करें। और आप देखते हैं कि जब हम सड़कों में जाते हैं तो किस तरह से गायें घूमती हैं, दुर्घटना का शिकार होती हैं और लोगों का भी नुकसान होता है। तो आज हमने कुमारसन में एक गौशाला का शिलान्यास हमने किया और वहाँ जो है प्रथम चरण में कोई 150-200 के करीब हमने जो है वहाँ जो हमारा गौवंश है उनकी हम रहने की व्यवस्था जो है हम करेंगे। और हमारा जो है यहाँ ठेहुग में भी हमारी गौशाला चल रही है और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने सभी साथियों को। हमारी नगर परिषद के चेयरमैन शर्मा जी हैं ये चला रहे हैं, तो और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने यहाँ जो है देखभाल जो है ये कर रहे हैं। और इसे एक तो जो समस्या आती थी पहले बाजार में घूमती थी गाय, अभी कोई नजर नहीं आती जी, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इनका इनिशिएटिव है। तो मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी निधि से जो है रिपेयर के लिए जो है 2 लाख रुपए आज देना चाहिए। सर बाकी और भी जगह पर इसी तरह पशु जो है वो आवारा घूमते हैं, उन लोगों को भी क्या संदेश आप देना चाहेंगे कि वहाँ पर भी इन आवारा पशुओं के लिए जो है वो स्थान बनाया जाए? देखिए मुझे लगता है पहले तो हमको बोलना नहीं चाहिए कि आवारा है जी, इनको तो हमने ये बेदखल पशु, पहले तो कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति ना आए कि हम पशुओं को घर से बाहर निकाले, गाय को हम बाहर निकाले। और दूसरा हम कहते हैं कि हमारा हम सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, तो हमारी आस्था गाय से बहुत ज्यादा जुड़ी है, लेकिन हमको कुछ करना भी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि हम खाली बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। अगर हर क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था की जाए तो कोई भी गाय कोई भी पशु हमें जो है सड़क पे नहीं मिले। तो मेरा तो सभी से यह आह्वान है कि सब लोग जितना कोशिश कर सकते हैं कि हर क्षेत्र में इस तरह की गौशालाएं खुले। और पहली बात मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि पहले तो स्थिति नहीं आनी चाहिए, अगर आती है तो हम उनके लिए कहीं उचित जो है प्रबंध करें।